हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर GTA 5 वीडियो। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। और यार आज की वीडियो मतलब बहुत तगड़ी होने वाली है। आप वहाँ पे देख सकते हो दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं है, ऐसे मतलब सस्ते गुंडे हैं वो। तो भाई वो वहाँ पे खड़े हैं, और मतलब ये जो ऊपर हिल पे हाउस है ना, वो थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर को जो ब्राउन कलर का हाउस है लकड़ी जैसा जो लग रहा है भाई, वो बहुत बड़ा घर है। उसके रस्ते मतलब चार पाँच रस्ते हैं, एक तो यहाँ से जा रहा है। तो भाई अब ये साले जो इतने बुद्धू हैं, ये सोच रहे हैं अगर ये गेट पर खड़े हो जाएंगे तो मैं गेट पार नहीं कर पाऊँगा, मैं तो भाई यहाँ से आराम से चढ़ के निकल जाऊँगा। लेकिन यार आगे जाके मतलब बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। और मुझे पता चला यार इस घर में ना मतलब एक सुपर कार आई हुई है, और वो ऐसी किसी आदमी की नहीं है, वो भाई एक बैंक मैनेजर की है जो बैंक में काम करता है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई उसके घर पे जो आज पार्टी हो रही है, तो मैं उसको भी किडनैप कर लूँ, और उसको किडनैप करने के बाद मैं जो उसकी कार को भी ले जाऊँ, और उसी कार में उसे किडनैप भी कर लूँ, और फिर इसके सारे पैसे भाई हड़पूँ। इससे मैं बैंक के सारे पासवर्ड वगैरह पूछ लूँगा, और फिर रॉबरी करने में भी हमें मतलब काफ़ी आसानी होगी। मैं ट्राई करूंगा कि इसको अपनी ही टीम में जो है कर लूं। और वहां पे देखो एक बंदा खड़ा है, तो मैं सबसे पहले तो भाई उसको पीटूंगा, और जल्दी से मैं सूम में करना चाहता हूं, क्योंकि भाई मैंने इतना सा भी जो गलती करी तो ये सारे मुझ में बजाने लग जाएंगे, और मैं नहीं चाहता ये मुझ में बजाएं। तो फिलहाल तो मैं इन्हें नहीं मारता, क्योंकि यहां से एक और रास्ता है। मैंने जैसा कि कहा यहां पे बहुत सारे रास्ते हैं, तो हम पीछे की तरफ से मतलब इस साइड की तरफ से जाएंगे, और वहां छतों पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां से हमको पूरा जो है दिख जाएगा कि कितने गार्ड्स हैं। क्योंकि जो मैंने मुझे जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिली है, उस हिसाब से तो यही पता चला है कि बहुत ज़्यादा गार्ड है, और हम मतलब अकेले लड़ नहीं पाएंगे। लड़ने को तो हम लड़ लेंगे, लेकिन यार फिर सब भाग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बैंक मैनेजर को भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसको पता लग गया तो वो एकदम ही भाग जाएगा अपने बॉडी गार्ड्स के साथ, और सब लोग भाग जाएंगे, और हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे, सिर्फ हम कार ही ले पाएंगे। और अगर हमने ज़्यादा शोर मचा दिया पहले, तो कार भी भाई वो लेके निकल लेंगे। तो अब भाई हम ऊपर चढ़ चुके हैं, और भाई यहाँ पे पता नहीं गैस किसी आ रही है, इन्होंने आग वाग लगा रखी है, और यहाँ पे भाई सही से मतलब पार्टी सी चल रही है इनकी। अब देखो मतलब बहुत सही पार्टी चल रही है, मतलब ज़्यादा इन्होंने सामान रख नहीं रखा, लेकिन मतलब म्यूज़िक व्यूजिक भी चल रहा है, लेकिन ये आग वाग का मतलब इन्होंने सही कर रखा, और लाइटें वाइटें जला रखी है, और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं यहाँ पे। और वहाँ पे भाई मुझे दिख रहा है वो बैंक मैनेजर वहाँ पे लेटा, पता नहीं क्या ही कर रहा है वो ज़मीन के नीचे को। और ये जो भाई यहाँ से मुझे कार दिखने लगी, और मतलब ये बंदे उधर भी बंदे हैं, और उधर गेट पे भी मैंने बंदे देखे। तो भाई ये कार है, अभी आप जब देखोगे ना, जब इसमें लाइट जलेगी तो आप भी कहोगे मतलब क्या कार है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ से उतर के पहले इस वाले को मारूँ, लेकिन यार ये वाला बहुत ज़्यादा पास है, अगर मैंने इसको मारा तो उन दोनों को पता चल जाएगा। ये इतने बुद्धू हैं, इनके पीछे खड़ा इनको पता ही नहीं चल रहा, लेकिन इनको अगर पता चल गया तो भाई मेरी तो मतलब शामत आ जाएगी। तो अब मैं देखता हूँ मैं मतलब क्या करूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ नीचे वालों को जाके क्लियर कर दूँ कि यहाँ से जाने का रास्ता तो बन जाए, अगर मतलब कुछ भी दिक्कत हो गई तो मैं नीचे से भाग सकूँगा। तो मैं सबसे पहले नीचे वाले बंदों को मार देता हूँ। वहाँ पर चार बंदे हैं, एक इधर खड़ा है और एक यहाँ है, और दो जो गेट मेन गेट के पास हैं। तो सबसे पहले मैं किसको मारूँ, इस वाले को मारता हूँ, और मेरे पास ऐसे ही मार देता हूँ इसको, घुसन घुसन से ही मार लेता हूँ इसको तो, क्योंकि या फिर कुछ कुल्हाड़ी या फिर मतलब चाकू या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए। पहले मैं सोच रहा हूँ इसको हाथ से ही मारो। हाँ, ये हाथ से मर गया आराम से। भाई फ्रैंकलिन का हाथ है, हथौड़े जैसा, मतलब तोड़ के रख देता कर देंगे। अब उस वाले बंदे को मैं भाई कुल्हाड़ी से मारूंगा, क्योंकि वो मुझे हरामी लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इसका मुंह इधर था लेकिन उसका मुंह जो है भाई बिल्कुल इस साइड में है। तो अगर उसको इतना सा भी पता चल गया तो मुझे कुछ ना कुछ मेरे हाथ में होना चाहिए, जिससे मैं इसको जल्दी से मार दूँ। तो अब मैं जल्दी से इसके इधर से सूम सूम में निकलूँगा, मतलब इसको इतनी सी भी भनक ना लग जाए। वैसे तो ये कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि दो बंदे इधर हैं और ऊपर हैं, लेकिन फिर भी यार मैं मतलब कुछ भी जो है करना नहीं चाहता। तो भाई हमने इसको भी मार दिया, और इसके सही से कुल्हाड़ी लगी नहीं है, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ से दो बंदे तो मतलब क्लियर हो चुके हैं, अब की बार जो है मतलब मजे से अब हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अभी भी दो बंदे भाई उस साइड गेट पे हैं, और अभी भी हमने कार नहीं ली, और बैंक मैनेजर को भी अभी हमने किडनैप नहीं कर पाए हम। लेकिन बैंक मैनेजर को हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा हम कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी है, लेकिन हम कोशिश अपनी पूरी करेंगे। तो भाई यहाँ पे तो ये पता नहीं क्या ही क्या कर रहे हैं, कोई बियर पी रहा है, कोई सिगरेट फूंक रहा है, और पता नहीं क्या कर रहे हैं। सालों कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे सारे, मत पिया करो। तो भाई चलो हम जल्दी से नीचे चलते हैं, पहले उन दोनों बंदों को ना अपनी गन से मारते हैं। हम पे जो है सप्रेसर वाली जो गन है, जिससे मैं से आवाज़ नहीं आती, उससे हम इसको मारते हैं जल्दी से। लेकिन यार वो दोनों में से एक को मारूंगा तो दूसरे को ज़रूर पता चल जाएगा, तो लेकिन मैं तब भी जल्दी से मार दूंगा, मतलब ज़्यादा हमें देर नहीं करनी। अगर हमने एक भी मिनट देर करी ना, तो भाई यहाँ पे हमारे को भून के रख देंगे। तो हम जल्दी से पहले थोड़ा सा पास चल लेते हैं, क्योंकि जितना मारते हैं जल्दी, एक दो जल्दी, हाँ खत्म। भाई दो तो हमने मतलब बिल्कुल उड़ा दिए हैं इनके, अब जल्दी से हम चलते हैं यहाँ पे। ये पता नहीं साले कैसे से हैं ये, इन्होंने इतने बुरे 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 बंदे रख रखे हैं, मतलब कुछ मज़ा ही नहीं है।
पागल बंदे हैं, एकदम पागल, जिन्हें कहते हैं ना पागल बंदे, वो हैं। तो हम भाई जल्दी से ऊपर चलते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे, और हम अब कार कैसे चुराएं। हमने मतलब प्लान तो मतलब सही बना रखा है कि हम सूम सूम में करें, क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना तो भाई हम रश कर देते हैं, मतलब सबको पीटने लग जाते हैं, तो उसमें ना हमारी कार को नुकसान हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। लेकिन आज जो है मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि मतलब आराम से करूँ, मैं फिर से पीछे वाले रास्ते से जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे अभी भी बहुत सारे बंदे हैं, क्योंकि हमने इधर के चार बंदे क्लियर करे हैं, वहाँ पे तो मतलब अभी बहुत पूरी सीना सीन उन्होंने खड़ी कर रखी है मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने कहा था मेन गेट की पे जो है एंट्री ज़्यादा। ओ देखो वहाँ पे दो जने हैं और एक जना यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, ये रहा, और क्योंकि ये ही मेन गेट है, ये तो पीछे का बैक यार्ड है, और वो दूसरा, ओ भाई वहाँ पे भी तीन बंदे हैं, यहाँ से अगर कुछ भी गलती हो गई ना तो भाई बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। मैं पहले इसको मारता हूँ वहाँ जाके। ओ भाई वहाँ पे फाउंटेन में किसी बंदे को इन्होंने दे रखा, कार मुझे मस्त लग रही है अभी, कार आपको अच्छी नहीं लग रही होगी लेकिन जब उसमें लाइट जलेंगी ना साइबर पंक की, भाई बहुत तगड़ी कार है वो। और पहले इसको मारता हूँ, कुल्हाड़ी से मारूँ किससे मारूँ, किसी से भी मार देता हूँ उसको मुझे। अबे यार ये दे, अबे कंट्रोल कंट्रोल, जल्दी से इन्हें पीट लो, बंद हो गए यार, बैंक वाला भाग जाएगा इसको जल्दी। अभी सालों मुझे परेशान मत करो, क्योंकि भाई देखो कार इंपॉर्टेंट है लेकिन बैंक वाला जो है ना वो बंदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे पकड़ना ना भाई मुझे ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं। कितने आ गए एकदम से, इतने तो खड़े भी नहीं थे, पीछे थे, क्या हो गया एकदम से इन्हें, क्या फ़ोन करके फ़ोन करवा लिए क्या सालों ने, लगता है रहा भाई मुझे। कहाँ चुपक रहा, तू चल नीचे जल्दी भाई। अबे यार ये एक तो आग वाग इन्होंने ऐसी लगा रखी कार के पास, कार में गन गन लगी हुई है, आरपीजी सब है भाई इसके अंदर, तगड़ी कार है भाई। जल्दी जल्दी, अबे ले मुझे पता था भाग गए, मुझे पता था वो भाग जाएंगे, बियर वियर छोड़ के भाई वो तो भाग गया, कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं उसको। वहाँ पर मुझे दो भागते हुए दिख रहे हैं, उनमें से तो कोई नहीं है, नहीं यार उनमें से नहीं है, एक तो ही पता नहीं क्या हो रहा है। इनको पहले मारो, इनको मारो जल्दी से, तू भी चल, अबे चलना, भाग रही है, हेडशॉट, चलो इसको रहने दो, और ढूंढते हैं बैंक वाला, यहीं कहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यहीं कहीं होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो हम तो कार लेके भाई हमें जल्दी से भागना पड़ेगा, और बहुत जल्दी हमको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, और हमें जल्दी से ना, ओ यहाँ पे भी जा रही है, भग गए, अब नहीं मिल सकते हमें, अब कुछ भी हो जाए अब तो भाई मिलने का ही नहीं, अब तो गायब हो चुका बिल्कुल, नीचे से ऊपर से कहीं से भी देख लो अब नहीं मिलने का। हम जल्दी से जाते हैं भाई, अपनी कार लेते हैं साइबर पंक वाली और निकलते हैं अपने हैंगर पे, फ्रैंकलिन का जो हैंगर है ना वहाँ पे मिलते हैं डायरेक्ट, जल्दी से इसको बैठते हैं इसके अंदर। ओ भाई इतनी भसड़ इन्होंने इस कार के लिए करवा रखी थी, लेकिन कार जो है भाई मतलब उधम लग रही है। हम जल्दी से फ्रैंकलिन का जो हैंगर है एयरपोर्ट पे वहाँ पे इसको खड़ी कर देते हैं, और वहाँ पे जाके जो है हम फिर इसको देखेंगे इसके अंदर क्या है, इसकी गन वगैरह भी टेस्ट कर लेंगे थोड़ी सी। इसमें तो हमने सिर्फ इसको चुराई है, और मतलब और आने वाली वीडियो में हम इसका यूज़ भी करेंगे। और वो यार वो बैंक वाला भाग गया, अगर वो मिल जाता ना बहुत मज़ा आ जाता, वो भाई उसका घर किसी को पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से उसका घर लाए हम, बहुत तगड़ा वो आदमी है, अगर उसका घर हमको पता चल गया ना उसके घर में से उसको उठा लेंगे। लेकिन अभी तो उसको उनने पार्टी करवा रखी थी अपने दोस्त के घर पे, तो हम इसलिए आए हुए थे इसके यहाँ पे, तो हमको पता लग गया था। जल्दी से हम मैप में जो है निशान लगा लेते हैं कहाँ पे है वो मार्क पे, कहाँ है हैंगर, ये तो माइकल का इधर, ये रहा बिल्कुल एंड में है फ्रैंकलिन का, यहाँ ये वाला है, तो हम जल्दी से वहाँ पे ही पहुँचते हैं अब डायरेक्ट। तो पहले तो वो मैप ऑन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैप फिर दिखेगा नहीं, जल्दी से अब चलते हैं। तो गाइस हम जो है आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, अब हम जल्दी से जो इसको हैंगर में खड़ी कर देते हैं। भाई हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से आए, बहुत तगड़ा सीन हो गया था बीच में, तो मुझे जल्दी से मतलब आना पड़ा और वीडियो को काटनी पड़ी बीच में से। तो जल्दी से अब इसको यहाँ पे खड़ी कर देते हैं और इसका थोड़ा सा मतलब देखते हैं, मतलब यार अभी तक तो हमने इसको उतर के देखी भी नहीं है कैसी लग रही है, जैसे भी लग रही होगी फाड़ी लग रही होगी। पहले इस गन को हटा लेते हैं, ये क्यों आ गई, अब देखो मतलब कितनी मतलब लाइट जलते हुए जो फील आती है ना इसमें, वो बहुत तगड़ी आती है। उसके सामने साइबर पंक भी लिखा है, तो हम जल्दी से इसके अंदर बैठ जाते हैं। भाई अंदर से भी मतलब काफ़ी सही इन्होंने बना रखी, सामने एरोप्लेन है, एरोप्लेन में थोड़ा सा ओ ये गेट कैसे खुल गया, खुद ही गेट नहीं खुलना मैं उसमें। देखो भाई आरपीजी लॉन्चर्स भी निकल रहे हैं इसके अंदर से, मतलब तफरी आ रही है, खूब तफरी आएगी जब हम इससे खेलेंगे ना, तो मज़ा आएगा काफ़ी। इसको पहले इसको सही से इसको पूरा फोड़ना मुझे इस बड़े से प्लेन को, एडियोज एयरलाइंस बहुत आया ना मज़ा।
अब हम इसको खड़ी कर देते हैं और इससे बाद में मज़े करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत है और हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सजेशन दें कि और हम किस किस के ऊपर वीडियो बनाएं। तब तक के लिए बाय बाय।